और सिंगर्स हैं जो गाने वाले हैं वो सब आज आए हुए हैं। आज और कल दोनों दिन रिहर्सल होगी और बहुत ज़ोरदार प्रोग्राम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग भी ऐसे ऐसे सुनने आते हैं कि मज़ा आता है उनको, जो उनको जो उनके मन में आता है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, तो अन्नदाता है हमारे माई बाप होते हैं, उनको खुश तो करना पड़ता है, मतलब खुश करना हमारा फ़र्ज़ होता है। मैं एक तो और क्या है, दे वफा सनी फिल्म से मेरी गज़ल है, सुरमई शाम है लेकिन में से, ऐ जिंदगी है, तो इस तरह के अभी फ़िलहाल तो ये विचार है, बाकी देखते हैं उधर। परफॉर्मेंस क्या होने वाला है वो मुझे भी अभी पता नहीं है, अभी तय करेंगे, बट डेफिनेटली इस बार क्योंकि 15 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई थिंक काफ़ी ओपन है सब कुछ के सेलिब्रेशन है, तो फिल्म की गज़ल भी गाई जा सकती है और कवर भी गा सकते हैं और डुएट भी अपना भी कुछ कर सकते हैं ओरिजिनल, सो आई एम एक्साइटेड। अभी मैं सुदीप के साथ बैठूंगी और तय करूंगी, और ज़्यादा मैं इसलिए एक्साइटेड हूं कि इस बार आई थिंक जितने फ्रेटर्निटी के लोग हैं गज़ल्स में स्पेशली वो सब इसमें शामिल हैं, तो सीनियर भी हैं और कंटेम्प्रेरी भी हैं और जो न्यू कमर्स हैं और छोटे बच्चे, जो पंकज जी के इस ख़जाना में ख़ास जो इवेंट होता है जिसमें 3-4 छोटे बच्चे भी होते हैं, वेस्टर्न ठेकों को जो हमारे इंडियन मेलोडीज़ में इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया और उनकी मेलोडीज़ आप देखिए वो एवरग्रीन है, वो यूथ को भी अपील करती हैं और हमको भी और जो हमसे बुज़ुर्ग हैं उनको भी, तो वो इसलिए उन पर बायोपिक बनना चाहिए, उनकी लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शुरू से जब 2002 हमने शुरू किया था ख़ज़ाना और पता ही नहीं चला कि 15 साल हो गया, तो ये 15 साल के जश्न में हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कुछ जनरेशन नेक्स्ट यंगस्टर्स हैं और सबसे खुशी की ये बात है कि सोल्ड आउट शो है, सुनने वाले भी बहुत एजुकेटेड सुनने वाले हैं, शेर और गज़लें समझने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारे बहुत सारे पॉपुलर गज़ल हैं जैसे शमा जलाए रखना, जब तक कि मैं ना आऊँ, फिर राहों पे नज़र रखना, होंठों पे दुआ रखना, ये सब हैं। फिर भूपेंद्र जी के तो है ही, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दो दीवाने शहर में, और नाम गुम जाएगा चेहरा भी बदल जाएगा, किसी नज़र को तरह तरह, बहुत सारे हैं, लिस्ट इतना है कि शायद पूरी शाम मतलब गाते जाएं, लेकिन सब एक मेडले जैसे गाएंगे हम लोग। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। ये प्रोग्राम ख़ास इसलिए है कि ये ख़ज़ाना के 15 साल पूरे हुए हैं और 15वें साल का सेलिब्रेशन है, जश्न है एक, तो ये प्रोग्राम एक जश्न की तरह मनाया जाएगा और गज़ल गायकी का जश्न होगा, गज़लों का जश्न होगा, और यही वजह है कि इस कार्यक्रम में 20 से भी ज़्यादा फनकार कलाकार जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, गज़ल की जो मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है, वो कम नहीं हुई है क्योंकि गज़ल आज भी सुनी जाती है और आज भी बहुत प्यार से सुनी जाती है। उसकी मिसाल ये है कि ख़ज़ाना अब के साल भी पूरा टोटली सोल्ड आउट है और पूरी दुनिया में आज भी मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड का म्यूज़िक मैं समझता हूँ बहुत पॉपुलर है, लेकिन बॉलीवुड छोड़ के मैं समझता हूँ कि गज़ल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर संगीत है। तो पंचमदा जो है वो बहुत, मैं मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनको मिलने का मौका मिला था कई बार, और वो एक बहुत ही दिलचस्प इंसान थे, बहुत ही एक दिलचस्प जिसकी जिनकी शख्सियत थी, बहुत ही उनकी पर्सनालिटी में दिलचस्पी थी और वो बहुत ही ज़्यादा, यानी उनमें एक इतना, उनमें इतनी एनर्जी थी, उनमें इतना ज़्यादा, उनमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिवनेस थी कि मैं समझता हूँ कि एक 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 टोटल में देखा जाए तो पंजमदा का किरदार ऐसा था कि उस पर एक नहीं तीन फिल्में बन सकती।
अच्छा लगता है और ये एक बहुत ही यूनिक बात ये लोग कर रहे हैं, पंकज जी और उनकी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब पिछले 15 सालों से कैंसर और थैलेसेमिया पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए इन्होंने ये क्रम लिया हुआ है। इट्स अ लॉडेबल एफर्ट एंड आई कंग्रेचुलेट देम। और मतलब सारी ऑडियंसेस तो राह देखती है कि कब खजाना अनाउंस हो जाए। और एक ऐसा लग रहा है कि सब साथ मिल बैठ के गा रहे हैं, बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। जैसे जब सुरेश जी ने गमन का जो एक गाना गाया तो जयदेव जी की याद आ गई, और बहुत बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। मैं बेगम अख्तर साहिबा की गज़ल गा रही हूँ मेडली में। बेगम अख्तर साहिबा ऐसी खातून थी जिनकी बदौलत हम सब आज जो गा बजा रहे हैं, उनकी वजह से गा बजा रहे हैं, तो उनकी याद में मैं ये गाना गा रही हूँ।